हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार और यूपी का फेमस डिश हरे मटर की घुगनी। इसे सीजनल मटर से बनाया जाता है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सीजन में जो मटर मिलते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात कि आप इसे किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि पूरी, पराठा, चावल या फिर रोस्टेड पोहा के साथ। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें एक मीडियम साइज का प्याज और एक मीडियम साइज का टमाटर लेना है और उसका पेस्ट बना लेना है इस तरह से। आप चाहें तो बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक कुकर में एक बड़ा चम्मच ऑयल गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, इसे चटका लेंगे। इसके बाद हम प्याज और टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और इसको भून लेंगे। जैसे ही प्याज टमाटर थोड़ा सा भुन जाएगा, हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी प्याज और टमाटर के साथ भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए हमें इन तीनों चीज़ों को पका लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ये तुरंत ही भून जाएगा, क्योंकि पहले के जो मसाले हैं वो ऑलमोस्ट पके हुए हैं, तो इनको हमें बिल्कुल थोड़े टाइम ही भूनना है। तो अब जो है हमारे सभी मसाले अच्छी तरह से भून के पक चुके हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बाउल मटर लिया है। मसालों में आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम मटर को इन सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। सिर्फ मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा टाइम तक भूनना नहीं है हमें। तो इस स्टेज पे हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 गिलास में पानी डाल रहे हैं, उसके अंदर इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम डालेंगे नमक, क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं डाला है। नमक मैंने इसलिए अभी तक नहीं डाला था क्योंकि पानी डालने के बाद नमक का आइडिया लगता है कि हमें कितना डालना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने नमक डाल दिया है। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। कुकर को बंद कर देंगे और 2 व्हिसल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 व्हिसल आ गया है, प्रेशर भी इसका रिलीज हो गया है। अब हम इसे खोल करके देख लेते हैं कि हमारे मटर की घुगनी कैसी बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी ही है। यदि पानी कम ज़्यादा हो जाए तो आप इसे सुखा करके या थोड़ा और पानी डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट घुगनी है। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी ग्रेवी की थिकनेस इतनी ही रखिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर तो आप देख ही रहे हैं, तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ। तो फ्रेंड्स, हमारी सीजनल मटर की बहुत ही ज़्यादा यम्मी घुगनी बन के रेडी हो चुकी है। इसे आप कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और सबसे बड़ी बात कि आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे पूरी, पराठा, रोटी, चावल। मैं यहाँ पे इसे पूरी के साथ सर्व कर रही हूँ। गर्मा गर्म पूरी के साथ हरे मटर की घुगनी और थोड़ी सी सलाद डाल दीजिए, फिर तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूरी एक प्लेट रेडी हो चुकी है।
तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी अच्छे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ।